हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क, ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन की सिक्स्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे 2D, 2D के 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। अब फिफ्थ टॉपिक है, वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज क्या होती हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो चतुर्भुज होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अब इससे चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ये इसका विकर्ण है, ये इधर से और ये इधर से विकर्ण। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल है हाफ इंटू विकर्ण गुना विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं। ए बी सी डी। अब ये विकर्ण तो क्या हो गया? बी डी हो गया। लेकिन ये किस पे है? ये पी और ये क्यू। अब इस पे लंब कौन कौन से डाले हैं? लंब देखिए, ए पी प्लस सी क्यू, ये इस पे डाले गए लंब हैं और उनका ये एडिशन है। ये होता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में आता है सेकंड है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये होता है इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद में तीसरा चतुर्भुज आता है, वो होता है हमारा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में नाम से पता चल रहा है, सम चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज, ए सम चतुर्भुज बोल सकते हैं और आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका चतुर्भुज का पार्ट होता है आयत और वर्ग। सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और ये जो त्रिकोण होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में कहता है क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। इसमें क्या होते हैं? सिर्फ विकर्ण होते हैं, ये इन विकर्णों का गुणनफल निकाला जाता है। हमें भुजा, एक भुजा भी पता होती तो हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। अब कैसे? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ये हो जाएगा। इसमें क्या आधार और ये ऊंचाई, या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, ये उसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई ऐसे ही होते हैं। एक चतुर्भुज और बच गया, वो देखते हैं। फोर्थ वाला है समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो थोड़ी पैरेलल होती हैं, ऐसे होती हैं। ये जो भुजा है ये इसके पैरेलल होगी, समांतर होगी, लेकिन ये इक्वल नहीं होती। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी।
अब समांतर भुजाओं का योग क्या क्या हो जाएगा, ये समांतर भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं और इनके बीच की दूरी ये होती है h, ये समांतर भुजा, तो इसमें क्या हो जाएगा AD प्लस BC इंटू बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये P मान लेते हैं, DP, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो है, हमने अभी सारे फॉर्मूले देख लिए हैं चतुर्भुज के, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं हैं, वो एक 10 मीटर एक है 14 मीटर और उनके बीच की दूरी है 3 मीटर, तो क्षेत्रफल व इसका परिमाप बताइए। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं आपको बताया था, समलंब चतुर्भुज ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज हो गया, उसमें बता रखा है कि समांतर भुजाएं ये 10 मीटर ये 14 मीटर है और उसके बीच की दूरी है 3 मीटर, ये दी हुई है, उसका पूछा है क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। अब समांतर भुजाएं कौन सी है, 14 और 10 है, तो हाफ इंटू 10 प्लस 14 इंटू बीच की दूरी है 3 मीटर, तो 3 आ गया, हाफ इंटू 24 इंटू 3 ये 12, तो आ गया इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 13 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया 36 मीटर स्क्वायर। देखते हैं इसमें पूछा है परिमाप, अब इसका परिमाप क्या होता है, ये यहां से यहां तक 10 मीटर परिमाप होता है चारों तरफ की, आफ्टर सरफेस को परिमाप बोलते हैं। अब इसका परिमाप देखते हैं, परिमाप ये हो गया 10 मीटर, ये यहां से यहां तक का क्या है हमें नहीं पता, ये हमें पता है 3 मीटर, यहां से यहां तक का हमें पता चल गया ये 10 मीटर हो गया, तो ये 4 मीटर हो गया। अब ये दूरी को हम फाइंड आउट करेंगे, इस दूरी को ये 3 मीटर ये 4 मीटर ये कितनी है, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से। कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता, के का स्क्वायर इक्व टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 5, ये 5 आ गई, ये 5 आने के बाद में यहाँ हम अगर इस पुट कर देंगे 5, तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, 10 मीटर, 5 मीटर यहाँ से आएंगे, 4 मीटर यहाँ से आएंगे, 10 मीटर और यहाँ से 10 मीटर हो गया, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी इसने बता रखी है हमें 3 मीटर है, ये निकलने के बाद में इसका परिमाप आ जाएगा 10, 20, 32 मीटर, 32 मीटर आ गया परिमाप, मतलब इसके जो भारी जो ये जो है ये भारी दूरी है ये इसका परिमाप है, और इसका परिमाप कितना आ गया 32 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा उसका विकेंद्र है 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप बताओ। अब सम चतुर्भुज में हमने क्या देखा था, इसकी आमने सामने की भुजाएं, इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है इसका विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल इसका क्षेत्रफल होता है। इसने बता रखा है विकेंद्र, एक विकेंद्र तो इसने 6 सेंटीमीटर का बता दिया, दूसरा विकेंद्र हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन इसने भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसमें एक चीज़ है सम चतुर्भुज पे जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, तो ये इसका हम क्या करेंगे, इसको अलग से इसका ये फॉर्मूला ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें ए ये ओ ले लेते हैं। अब यहाँ से हमें इसका पता है ये 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक, और 3 सेंटीमीटर हो गई ये, अब हमें यहाँ से इस विकर्ण की लंबाई पता करनी है, इस विकर्ण की लंबाई पता करने के लिए ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से ये O, ये D और ये C हो गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये O और D ये हमें नहीं पता क्या है, लेकिन O C 3 सेंटीमीटर है, और ये हमें पता है 5 मीटर है 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद में हमें इसकी दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, इसके लिए क्या वापस वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमें अब लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, उसमें कर्ण का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का होल रूट लंब का इसको टू लंब हमारे पास आ जाएगा 4, लंब हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया, अगर ये 4 आ गया
ओडी इक्वल्स टू फोर आ गया तो क्या हो जाएगा, ओडी प्लस ओबी इक्वल्स टू फोर प्लस फोर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा एक विकेंड आ गया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेकंड विकेंड है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 8, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका परिमाप पूछा है, समचतुर्भुज में इसका परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज में परिमाप होता है 4a, चारों भुजाएं इक्वल होने की वजह से इसका 4a हो जाता है, 4 इंटू भुजा कितनी दी हुई, 5 दी हुई है, तो इसका 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि एक भुजा दी हुई है, एक विकेंड, हाँ एक विकेंड दिया हुआ है तो हम दूसरा विकेंड निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चतुर्भुज के एक विकेंड की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा विकेंड पर डाले गए लंब है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल था हमारे पास 1/2 गुना विकेंड गुना विकेंडों पे डाले गए लंब का योग। ये था जब क्या, एक गुना 1/2 गुना विकेंड विकेंडों पे डाले गए लंबों का योग। अब ये क्या है, 1/2 विकेंड इसमें दिया हुआ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और विकेंडों पे लंब डाले गए हैं वो 6 और 8 सेंटीमीटर के हैं, इंटू 6 प्लस 8 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1 × 2 20 इंटू 14 तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है 140। अब इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना अच्छा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।